इशू है इस बाइक में, एक में नहीं सारी बाइक्स में, 3-4 दिन हुए होंगे मैंने दोबारा बाइक निकाली सैटरडे के दिन, और बाइक उस दिन 5 से 10 किलोमीटर लेके गया, बाइक में जर्क आने लगे भाई। लेकिन एक पॉइंट जब घर लौट रहा था वापस इवनिंग में, 7 बजे का टाइम था, मेरी बाइक ब्रेक डाउन हो गई, ECU सपोर्ट नहीं कर रहा था थ्रॉटल बॉडी को, जिस वजह से थ्रॉटल बॉडी डैमेज हो गई न्यू बाइक है। तो कंपनी ने अपनी गलती मानी, कंपनी ने बोला हम आपको रिकॉल करना भूल गए थे, सॉरी। ये बाइक कैसी लग रही, खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए? आकाश का है, आकाश का है भाई, आकाश का है, ढूंढो उसको। What's up everyone, this side is Akash Kumar, welcome to another new vlog. So guys, fresh vlog में आपका स्वागत है। The boys अपने सामने खड़ी है, the beast बोले तो, yes the adventure and भाई ऑनर है। जैसे भाई को आपने लास्ट वीडियो में देखा था, बहुत प्यार दिया था मेरे वीडियो में भी और भाई के वीडियो में भी। हेलो एवरीवन, और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, भाई का नाम है दीपक, स्टोरीज ऑफ माउंटेन्स एंड चैनल का नाम है स्टोरीज ऑफ द माउंटेन्स। मैं सबसे पहले आकाश को थैंक यू बोल देता हूँ, मैंने आकाश का वो वीडियो देखा जो आकाश ने मेरे साथ शूट किया था, इसका रिव्यू वीडियो एडवेंचर का, सही पॉपुलर हुआ यार वो वीडियो आकाश, थैंक यू यार वो वीडियो शूट करने के लिए। एक बंदे का हुआ है भाई, दोनों का हुआ है, एंड ये चीज बहुत अच्छी लगी, प्यार दिया आप लोगों ने, दोनों को दिया है। एंड भाई खामियां उसकी खूबियां लोगों को पता होनी चाहिए, हमने खरीदी है तो हम बताने लायक है। एग्जैक्टली, एंड अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना गाइस, भाई आज वो शेयर करेगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या नेगेटिव, क्या प्लस पॉइंट है। अभी एक प्रॉब्लम आई थी इसमें, अभी रिसेंटली भाई के साथ बहुत खतरनाक हुई। देखो ये बाइक जबरदस्त निकाली है एसडी ने, अब हिमालयन के कंपटीशन में जो बाइक ये निकाली है बिल्कुल परफेक्ट है, आप इसमें कोई कमी नहीं है, बस एक हीटिंग इशू बताया था मैंने लास्ट वीडियो में भी, छोटा सा है वो भी हो जाता है सॉर्ट, क्योंकि अगर आप हाईवे पे जा रहे हो तो उसकी भी प्रॉब्लम नहीं आती। बट मेन इशू जो आया, जो मुझे कंपनी की तरफ से भी पता लगा कि हाँ ये इशू है इस बाइक में, एक में नहीं सारी बाइक्स में, रिकॉल भी किया कंपनी ने, मेरे को रिकॉल नहीं किया, पता नहीं क्या हुआ, मैंने नई खरीदी थी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था इसलिए मेरे बाइक में जल्दी इशू आ गया, और शुक्र मनाओ मेरा हाईवे पर नहीं आया, मैं एक टूर पर गया था, टूर से वापस आया, मैंने बाइक अपनी पार्क कर दी, पार्क करने के बाद मुश्किल से 3-4 दिन हुए होंगे, मैंने दोबारा बाइक निकाली सैटरडे के दिन, और बाइक उस दिन 5 से 10 किलोमीटर लेके गया, बाइक में जर्क आने लगे भाई, भाई जर्क आ गए, और मैं सोच रहा यार पेट्रोल थोड़ा गंदा डाला होगा हाईवे पे, क्योंकि मुजफ्फरनगर साइड मैंने हाईवे पे पेट्रोल डलाया था, अक्सर होता है इंडिया में पेट्रोल हर जगह ठीक नहीं मिलता, मेरे को डाउट होने लगा यार पेट्रोल की वजह से हुआ होगा, मैं चलाता रहा थोड़ा फिर ठीक हो रही थी, थोड़ी चल रही थी, लेकिन एक पॉइंट जब घर लौट रहा था वापस इवनिंग में, 7 बजे का टाइम था, मेरी बाइक ब्रेक डाउन हो गई, रुक गई, किसी तरीके से टैंक ओपन किया, हिला हुलू के मैंने उस वक्त चलाया इसे, निकाली बाइक वहाँ से, घर लेकर आया, कंपनी को कॉल किया, टो करवा के अगले दिन कंपनी में पहुँचाया इसे। सबसे बड़ी बात आपको एक बात और बता देता हूँ, RS से जो कंपनी कहती है ज़रूर लेना चाहिए, ऐसी हैवी बाइक होगा तो ज़रूर लेना चाहिए, बड़ा आसान कंपनी की ऐसी सर्विस, कंपनी की ऐसी सर्विस थी, मैं तो फिदा हो गया भाई कंपनी की सर्विस पे, सीधा घर से उठाकर लेकर गए हैं मेरी बाइक, मतलब मैंने कॉल किया सिर्फ 3 कॉल में मेरी बाइक घर से चली गई टो होके। पैकेज कितने का होता है एंड कितनी टाइम्स आप उसको यूज़ करते हो? देखो यार वो आपको कहते हैं कि भाई आप RS से ले लो, आप वो सोचते हो यार 1,000, 2,000, 3,000 रुपये ज़्यादा पड़ रहे हैं उस वक्त, देखो उस वक्त आपको लगता होगा, लेकिन वो 3,000 आपको 30,000 का फ़ायदा देंगे। एग्जैक्ट, क्यों? क्योंकि आपकी बाइक टो होके घर से जा रही है, कोई भी RS में प्रॉब्लम हो रही है, रोड साइड असिस्टेंस आपको वो रोड पर आके चेक करेंगे बाइक, ऐसे ये खाली दल्ली मिलेगा किसी भी ऑल ओवर इंडिया भाई। SD के देखो जहाँ शोरूम है हर जगह शोरूम हो गए हैं, अब SD के हर जगह RS की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी, तो ये तो बहुत बेस्ट है। हाँ देखो एक छोटा सा प्रॉब्लम था, कंपनी एक अपडेट करना भूल गई थी, उसने बाइक बना दी हैवी, डिफाइन इंजन डाल दिया, लेकिन उसने जो थ्रॉटल बॉडी डाली थी वो थ्रॉटल बॉडी के अंदर थोड़ा सा इशू हो गया, वो अपने जितने RPM पर बाइक चलती थी वो थ्रॉटल और उसका ECU उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था, जिस वजह से जो पेट्रोल की जो फ्लो होता है वो बाइक के इंजन में ठीक से नहीं पहुँच रहा था, ये मेन प्रॉब्लम आई, और मेरी थ्रॉटल SE में भी यही प्रॉब्लम थी, थ्रॉटल बॉडी में ज़्यादातर आती है कि गंदा पेट्रोल डाल दिया, थ्रॉटल बॉडी में कचरा फंसा, थ्रॉटल बॉडी ख़राब हो गई, इंजेक्टर वगैरह क्लीन करा लेते हैं लोग, लेकिन इस बाइक में अलग इशू था, इस बाइक में थोड़ा और डिजिटल इशू कह सकते हैं उसे, कि ECU सपोर्ट नहीं कर रहा था थ्रॉटल बॉडी को, जिस वजह से थ्रॉटल बॉडी डैमेज हो गई, डैमेज कहेंगे कि ब्लॉक हो गई, चौक हो गई, यही बाइक में प्रॉब्लम आई, और ये बड़ी खतरनाक प्रॉब्लम है भाई आकाश भाई, ये इतनी खतरनाक प्रॉब्लम है कि ये टूरिंग बाइक है,
टूरिंग बाइक में क्या होता है, आप लेकर उसे हाईवे पे निकलते हो, जब आप उसे हाईवे पे लेकर जाते हो तो बाइक क्या कर रहे हो, आप एक टूर कर रहे हो 1000 किलोमीटर 500 किलोमीटर, वहाँ पे आपकी बाइक ठीक से चलनी चाहिए, ब्रेकडाउन नहीं होनी चाहिए, आप यही एक्सपेक्ट करते हो। एग्जैक्टली, मैं भी डर गया कि यार अगर ये प्रॉब्लम मेरी हाईवे पर आ जाती तो मैं कहाँ बैठता। न्यू बाइक है तो कंपनी ने अपनी गलती मानी, कंपनी ने बोला हम आपको रिकॉल करना भूल गए थे, सॉरी आपकी बाइक को हमने कंपनी में बुलाया नहीं, थ्रॉटल आउट, थ्रॉटल ऐसे मेरी बदली, अपडेट नहीं करी, बदल दी। और फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरी तो वारंटी में बाइक है और RSA मैंने ऑलरेडी ले रखा है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा सब कुछ हो गया, तो मैंने 1 रुपया नहीं दिया। तो हार्डली कितने डेज बाद वापस पहुंच गई थी? देखो मेरी बाइक 3 दिन में रेडी हो गई थी, संडे निकल के गई थी तो होकर वापस मेरी बाइक 3 दिन में, वेनसडे उनका कॉल आ गया कि सर आप बाइक ले सकते हो, अब ऑफिस वाला बंदा हो, मैंने बाइक सैटरडे जाके उठाई, तो मतलब हार्डली आप कह सकते हो कि 1 हफ्ता पूरा प्रोसेस था, मेरी बाइक मेरे घर पर वापस खड़ी थी। गाइस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप लोग ने भी नहीं करवाया होगा तो प्लीज़ जाके जल्दी से जल्दी करवा लेना, वरना अपनी कंपनी में अपने कंपनी में कॉन्टैक्ट करना जो भी आपके नियर बाई सर्विस सेंटर पड़ता है। और एक और बताता हूँ मैं बात, जब मैंने ये थ्रॉटल ऐसे कंपनी ने ठीक कर दिया और मैंने बाइक चलाया अपना, फर्स्ट टाइम मैंने बाइक चलाया, मुझे क्या एक्सपीरियंस हुआ कि मेरी बाइक का जो रेडिएटर फैन है वो पहले के मुकाबले अब ज़्यादा देर में ऑन हो रहा है वापस, मतलब वो पहले से ज़्यादा अच्छा रिफाइन हो चुका है और हीट कम हो रही है बाइक, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं थ्रॉटल बॉडी में प्रॉब्लम थी जो इसकी हीटिंग इशू मेन है, अब बाइक हीट कम होती है पहले के अकॉर्डिंग। टूरिंग करने जाते हो और सिटी राइड में करते हो, क्या डिफरेंस लगा ये? देखो मैं इसको टूर पे तो अभी तक 5-6 बार ले जा चुका हूँ बाहर, और हिल्स पर ही लेकर गया हूँ, नीचे कहीं फ्लैट में ऐसा चलाया नहीं मैंने, तो सिटी राइड में प्रॉब्लम ये आती है मेन कि गर्मी के दिनों में जब इसका रेडिएटर फैन ऑन होता है, एक वो प्रॉब्लम है, नीचे से बहुत हीट फेंकती है, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। दूसरी सबसे बड़ी इसकी बाइक की प्रॉब्लम है भाई, जब आप मान लो आप एक रेड लाइट पर खड़े हो, दिल्ली एक ऐसी सिटी है जहाँ पर ट्रैफिक लगता ही है, चाहे सैटरडे हो संडे हो, वहाँ कोई छुट्टी नहीं होती दिल्ली की, तो ट्रैफिक में इस बाइक को मोड़ना हैंडलिंग बहुत खतरनाक चीज़ है। हाईवे पर आप आराम से कंट्रोल कर रहे हो, जो हैंडल की कटिंग है वो हाईवे पर अच्छी है, और ट्रैफिक में आप इसको थोड़ा बहुत इशू होगा। देखो मैं शॉर्ट हाइट राइडर हूँ, मुझे तो आएगा ही आएगा, थोड़ा सा 5'8" 5'9" वाला बंदा है वो मैनेज कर लेगा, लेकिन फिर भी मैं इसे चला लेता हूँ। बस एक ही एडवाइस दूंगा अपनी तरफ से मैं कि आप इसको अगर ट्रैफिक में चला रहे हो SD एडवेंचर को, तो प्लीज़ इसको मोड़ते वक्त इसका आगे का डिस्क हार्ड प्रेस मत करो, इसका लीवर हार्ड प्रेस करोगे तो ये बाइक पक्का गिरने की कंडीशन में जाएगी। कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है, थोड़ा बहुत मुश्किल है। देखो सब कुछ डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पर कि आपने कितनी पीछे राइड की है, मैंने तो बहुत डोमेस्टिक बाइक चला रखी है पहले, तो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं है, हो सकता है कोई SD ही उसकी पहली बाइक है उसके लिए मुश्किल है, जिसने SD अपनी पहली बाइक खरीदी है उसके लिए थोड़ा मुश्किल है। अगर आप इसे खरीद कर ले लद्दाख और ऐसी जगहों पर टूर मारना चाहते हो तो थोड़ा प्रैक्टिस करो पहले सिटी में, उसके बाद निकलो, वरना तो लोडेड बाइक ले जाना आपको थोड़ा सा इशू करेगा। मेन चीज़ का तो सिटिंग पोस्चर ना, हैंडल टूरिंग बाइक का बहुत क्या बोलते हैं, टूरिंग बाइक का ऐसी होता है जो नॉर्मल बाइक्स होती है ना, लोग आप उनको चलाते हैं तो उसकी आदत नहीं बैठती डेफिनेटली, तो गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो R15 चलाते हो, R15 की कटिंग इतनी अच्छी है क्योंकि मैंने भी R15 चलाई है, आप उसे ट्रैफिक में भी स्मूथली कहीं भी मोड़ कर आराम से ईजिली ले जा सकते हो। हमें आदत होती है ना, हम इंडियन से भाई हमें आदत है कि ट्रैफिक में कहीं ना कहीं घुसा घुसू के आगे निकलना है जब तक ग्रीन नहीं हो रही, तो वहाँ पर ये मुश्किल करेगी आपको, ये बाइक की दिक्कत है। एंड फ्रेशर को थोड़ी दिक्कत होगी बिकॉज उनको आदत नहीं है। जैसा मैंने बोल दिया, अगर आप फर्स्ट टाइम आपकी SD एडवेंचर जैसी कोई बाइक या हिमालयन जैसी कोई बाइक आपकी फर्स्ट बाइक है तो आपको प्रॉब्लम आने वाली है, इशू करेगी थोड़ा बहुत आपको। एंड एक चीज में बताओ, इसमें सबसे अच्छी आपको क्या लगती है इस बाइक? परफॉर्मेंस अच्छी है, मैं हिमालयन मैंने चलाई है, हिमालयन एक पर्टिकुलर RPM पर जाकर वाइब्रेट ज़रूर करती है, और एक पर्टिकुलर स्पीड के बाद हिमालयन आपको ऐसा लगने लगता है कि ये मेरा आउट ऑफ कंट्रोल है, अब मैं इसको ब्रेक करूँगा तो ये दिक्कत करेगी, कहीं ना कहीं जर्क आएगा, कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होगी, ये दिक्कत मेन है, प्रॉब्लम है ये बाइक के अंदर। बट ये SD है जो इसमें नहीं है, मैंने इसको हाईवे पर आप यकीन नहीं करोगे 120 पर ले जाकर ब्रेक लेकर देखा है पूरा, मैं टेस्ट करना चाहता था कि ये 120 पर ले जाकर अगर मैं ब्रेक करूँगा इसको तो बाइक कैसी परफॉर्म करेगी, और हकीकत में बता रहा हूँ ये बाइक ऐसे रुकी जैसे मैंने कोई 150 cc की R15 रोक दी हो। R15 ऐसी रुकती है ना भाई, आप एकदम से 120 पर ले जाकर ब्रेक लगा दो आपकी बाइक खड़ी हो जाती है, ये भी वैसी ही रुक गई। भाई मेरे को तो बहुत अच्छी बाइक जो टूरिंग के लिए ना सबसे बेस्ट बाइक मेरे को यही लगती है बिकॉज फर्स्ट चीज थंब है इसमें। एक और बात बताता हूँ,
आप सोचते होगे लोड होने के बाद वेट बढ़ जाता होगा, लोड होने के बाद वेट तो बढ़ता है लेकिन बाइक बहुत कंफर्टेबल हो जाती है, बाइक नीचे चली जाती है, थोड़ा सा इसका कंप्रेशन हो जाता है सस्पेंशन का, तो उससे ये नीचे होती है और चिपक कर चलती है, चिपक कर चलती है रोड। बस एक चीज से मैं खफा हूं, बोलता यस दी क्या बोले, जितनी भी टूरिंग बाइक है इसके अलग अलग व्हील सेक्शन से अलग अलग वाले दे रखे, कहने का मतलब ट्यूब दे रखे इसके टायर, और ट्यूबलेस होते ना तो बेस्ट रहते। लद्दाख चला जाता अभी तक मैं, बस सोच रहा हूँ, ये दिक्कत होती है, सोच रहा हूँ कि अकेले जाऊँ या ना जाऊँ, सोलो करने के लिए निकाली है बाइक, बट मैं अकेले जाने के लिए सोच रहा हूँ क्योंकि ट्यूब टायर है, अगर पंचर हुआ भाई मेरे और रिमोट एरिया में आप हिल में कहीं पर हो तो आप फंस सकते, ये मतलब माइनस पॉइंट लगता है, डिसएडवांटेज है ये कह सकते हैं, लेकिन क्या करें एडवेंचर बाइक है, अगर वो वाली होती क्योंकि ट्यूबलेस वाले होता तो इजीली उसमें पंचर लग जाता, ट्यूबलेस वाले देखो आजकल इतनी फैसिलिटीज हैं, आप खुद पंचर किट खरीद लो और खुद कर लगा लो पंचर, ट्यूब में कैसे लगाओगे, ट्यूब में मतलब ट्यूब में भी बंदे लगा लेते हैं, ऐसे कोई दिक्कत क्या नहीं, बट सोलो राइड में दिक्कत होती है बिकॉज सामान उतारो, मैंने लगाया है डबल स्टैंड पे होता है। मैं आपको एक बात बताता हूं, एक छोटी सी स्टोरी, मेरी बाइक पंचर हो गई थी, मैं टायर खोलने में सक्सेसफुल रहा बट मैं पंचर कैसे लगाता, मेरे पास पंचर किट भी होती तो मैं इसका टायर कैसे उतारता, मेरे को पंचर के लिए ले जाना पड़ा बाइक जैक पर लगा के, और डबल स्टैंड नहीं है भाई, जैक पर लगानी पड़ेगी आपको, सोचना पड़ेगा कि जैक भी कैरी करना पड़ेगा अगर पंचर किट लगा रहे हो, साथ में पंचर किट लेकर चलोगे तो आपको जैक कैरी करना मस्ट है क्योंकि आपकी बाइक विदाउट जैक टिक ही नहीं सकती रोड पर, या फिर आपको डबल स्टैंड लगाना पड़ेगा, डबल स्टैंड लेना पड़ेगा आपको, खरीदना पड़ेगा, और ऐसी भारी भरकम बाइक को 210 केजी की बाइक को डबल स्टैंड पे भी लगाना चैलेंज है, लोड होने के बाद 250 किलो हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल, मेन चीज वही है, बस थोड़ा स्ट्रगल वही है इसके पंचर लगाने में, बोलो टायर पे, बाइक बड़ी अच्छी है, बाइक बहुत प्यारी है, मेरे को मेन देख सकते हो फ्रंट लुक क्या प्यारा लग रहा है, सामने से बहुत प्यारी लगती है, जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर है ना आगे से शार्प शेप में लगता है मेरे को, टूरिंग की बहुत प्यारी लगती है मेरे को। ये कई लोगों ने मुझे बोला है कि भाई ये आपकी जो बाइक है ना फ्रंट से ये कुछ कुछ BMW जैसा लुक है, बस थोड़ा सा अगर इसका वाइजर और इसका जो साइड का पैनल होता है फ्रेम बोलते हैं जिसे, वो अगर और चौड़ा होता तो ये आपका वो BMW वाली लुक थी आगे। एग्जैक्टली, जो हिमालय ना वो थोड़ी फ्लैट टाइप की, ये थोड़ी ना शार्क टाइप की है, हिमालयन शायद इस वजह से थोड़ी सी मार्केट में मार खा जाएगी कि ये बाइक लुक में भी अच्छी है, ये तो अभी आई है 1.5 साल हुआ ऐसे लॉन्च हुए हुए, अभी तो ये बाइक चलेगी 2-3 साल, जैसे मेरे जैसे राइडर इसे राइड करेंगे उसके बाद इसकी कमियां बताएंगे कंपनी को, रिव्यूज देंगे, फिर वो अपनी कंपनी ठीक करेगी जैसे थ्रॉटल बॉडी कंपनी कर रही है इसकी ठीक, थ्रॉटल ऐसे कि बहुत मेन चीज़ होती है क्योंकि इंजेक्टर और थ्रॉटल ऐसे में अगर जरा सी भी दिक्कत आई आप बाइक नहीं चला सकते, चाहे कितनी भी अच्छी इंजन की बाइक हो, मेन चीज़ जितनी एडवांस होती जा रही है ना चाहे बाइक हो या गाड़ी हो उतना हमारे लिए थोड़ी दिक्कत हो रही है, जितनी रॉ मशीन थी ना उतना प्यारा था, उतना भी इजीली कर लेते हैं, सारी बाइक्स में आजकल इंजन कंट्रोल यूनिट आ रहा है, 125cc के ड्यूक में इंजन कंट्रोल यूनिट लगा होता है, ECU बोलते हैं जिसे, अब लगा लो ECU और थ्रॉटल ऐसे दोनों एक साथ बैलेंस ही नहीं बना रहे हैं, उनके कोड ही मैच नहीं हो रहे तो बाइक क्या करेगी, जर्क देगी, झटके मारेगी, यही हुआ मेरे साथ भी, और ज़्यादा बड़ा इशू नहीं था, छोटा सा इशू था, कंपनी ने पूरी थ्रॉटल ऐसे अपडेटेड मंगाई और मेरी बाइक में लगा दी, लोगों में अपडेट करी है लेकिन मेरी बाइक में नहीं डाल दी। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, एटलीस्ट किताब के में नया आ गया, एंड कहने का जो भी होता है ना पॉजिटिव ही होता है, आराम चिल मारो कभी भी ना भाई साहब, कहते हाइपर मत हो कभी, टेंशन मत हो, आराम से कुछ ना रिलैक्स रहोगे ना माइंड उतना अच्छा काम कर, जितना टेंशन में उतना काम नहीं करता, बट बाइक चलाने की एक सबसे अच्छी एडवाइस कि जैसे ये आकाश बोल रहे हैं चिल रहना और चलाना, यही एक मेन क्या बोलते हैं राइडर का मकसद भी कह लो, राइडिंग पोस्चर भी कह लो, राइडिंग एक्सपीरियंस भी कह लो, कुछ भी कह लो, पोस्चर इस पे बैठने का, राइडिंग एक्सपीरियंस जो वो चला रहा है पीछे से कैसे चला रहा है, कैसे ब्रेक कर रहा है, सारी चीज़ें यही हैं, अगर सब्र से चलाओगे तो ठीक है, अदरवाइज कोई बाइक नहीं, बिकॉज भैया आप इतना माइंड जितना आपका वैसा रहेगा ना माइंड पे होच पोच रहेगा उतना, मतलब जो प्लान्स है ना आपके वो सारे खराब हो जाएंगे, चलाओ मत यार, सो फार ईजी चलाओ, और यार मैंने आज तक बाइक नहीं थी कभी भगा ही नहीं, मेरे को रोड मिलते हैं मैं तो टूर करता रहता हूँ, मैं कभी भगाता नहीं, 80-90 ठीक होता है यार, कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे इंडिया के रोड उसके अकॉर्डिंग बने ही नहीं है, हमारे एक्सप्रेस वे पे तो बाइक अलाउ नहीं है, और जो इंडिया के हाईवे है उस अकॉर्डिंग बने ही नहीं यार, कोई संतरे का ठेला लेकर आ जाता है तो कभी गायें आ जाती है, कभी कुत्ता आ जाता है, मेन चीज चलो वो चीज दिख जाती है, मेन चीज छोटे-छोटे होल्स हैं, पैच आ जाते हैं, हां उनमें ना फिर
जोश में आके नहीं कुछ होता, जोश में होश नहीं खोना, टूरिंग करनी है, बाइक लो, खरीदो, आराम से टूर करो, सोच समझ के, तैयारी के साथ। जितने प्यार से चलाओगे उतनी लंबी रेस के घोड़े जाओगे। तैयारी जरूरी है किसी भी चीज में, जाने से पहले तैयारी जरूरी है। आप बाइक खरीद रहे हो तैयारी करके खरीदो, आप टूर पे जा रहे हो तो बिल्कुल तैयारी के साथ जाओ, मतलब बुरे से बुरे वक्त का आप एक्सपीरियंस लेने के लिए रेडी रहो। Exactly. उसी को राइडर कहते हैं। इतना प्यारा लगता है मुझे इसके इंडिकेटर। इंडिकेटर? भाई ने पूरी एक्सेसरीज लगा रखी। कभी नाइट में इसके इंडिकेटर मैं ऑन करके दिखाऊंगा आपको वीडियो में। इसका जो एलईडी इंडिकेटर है उसमें मेरे हिसाब से कोई इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं एक फ्लैशर लगा दूं इसमें, इसी से काम बनेगा। क्योंकि आप 300 मीटर दूर एक कोई बोर्ड लगा होगा ना, कोई साइन बोर्ड होगा, वो चमकता है इसके इंडिकेटर से। आप सोच लो 300 मीटर तक एलईडी है। 2023 मॉडल है ना? 23 है तो देख सकते हो भाई, 2023 का मॉडल इतना प्यारा। तो एक्सेसरीज भी भाई ने लगा रही है, फुल लोडेड है। बताओ भाई कैसी लग रही है? एकदम मस्त। पता है क्या नाम है इसका? अच्छा देखिए कभी, कहने का मतलब हाँ देखिए। हाँ हाँ कैसी लग रही है? ठीक है। नहीं गाड़ी का नाम पता है वैसे आपको? रेंजर, वो बोलते इसको रेसर बाइक। अच्छा ठीक है। नहीं रेसर बोलते हैं। यस दी यस। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगे, जब वैसे नाम पता चलेगा तभी तो आप नॉलेज होगी। 5 फीट 4 इंच या 5 इंच का राइडर इस बाइक को चलाता है। देख रहे हो भाई, हर चीज़ पॉसिबल है, पर माइंड से सेट हो तो। $2,65,000 की अगर आपको एक्सेसरीज चाहिए तो $3,15,000 की पड़ेगी ऑन रोड, तो देख सकते हो। एंड कॉमेंट सेक्शन में बताना कि खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए। कुछ ऐसा ही है, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लैम्पी। इस वीडियो को फैला दो यारो। All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative.